तो अभी मेरे पास सीपी प्लस का 8 पोर्ट 2 मेगापिक्सल सपोर्टेड एक डीवीआर है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ये कस्टमर जो पासवर्ड डाला था वो भूल गया, लगभग 2 साल पहले का है ये। तो इसका मॉडल नंबर देख सकते हो, ये 2021 का है, ये देखो 2021 का है, ठीक है। तो ज़्यादा बैकडेटेड नहीं है। तो ये वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, इसको हार्ड रीसेट कैसे करना है। उससे पहले छोटा सा एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो ओनली फॉर एडुकेशन पर्पसिंग के लिए है, इसको किसी गलत काम पे इस्तेमाल ना किया करें, ठीक है। तो देखो, हर पीसीबी में अलग अलग रीसेट का पॉइंट होता है। अगर किसी पर्टिकुलर आपने एक वीडियो देखा तो नेक्स्ट किसी साल का चेंज हो जाएगा, मतलब 2020 का अगर कोई डीवीआर मॉडल का आपने वीडियो रीसेट देख लिया तो 21 का अलग हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे पास केसेस आता है तो कुछ कुछ वीडियो में डाल दूँ, अदरवाइज़ हिगविशन हो या फिर कोई अदर डीवीआर हो उसको आप ऐसे रीसेट हार्ड रीसेट ट्विज़र या फिर शॉर्ट करके जंपर को नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस है, पर वो भी किया जा सकता है, इजी वे है, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इसके ऊपर। अलग ब्रांड हो तो उसके लिए आपको सपोर्टिंग पे मेल करना पड़ता है, इसके मॉडल नंबर के थ्रू ये इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है RJ45 के थ्रू। उसके बाद एक फीडबैक मेल आता है, उसमें पासवर्ड डिकोड हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इजी प्रोसेस है, तो उतना सारा लोग जो यूज़र लोग हैं उतना प्रोसेस नहीं जानता है। तो बाकी वारंटी में है तो आपको सर्विस सेंटर से हो जाता है, अगर वारंटी में ना हो तो आप क्या करेंगे, आपके पास मान लो आया है। तो देखो, सीपी प्लस अगर आता है तो लगभग मैंने एक दो वीडियो ऑलरेडी पिछले डाल के रखा है अलग अलग मॉडल के ऊपर। तो इस मॉडल पर देखेंगे हम, ये जो DVR है हमारा 2 मेगापिक्सल सपोर्टेड, तो ये हार्ड डिस्क के साथ ही आया है। तो अभी देखो ये इस कंडीशन पे है और कस्टमर जो है इसका पासवर्ड भूल चुका है। अभी इसका मेन मेनू पे हम जाएंगे तो ये पैटर्न है, अभी कौन सा पैटर्न है, कस्टमर भूल चुका है, कोई भी पैटर्न हो सकता है, तो ये काम नहीं कर रहा है। स्विच यूज़र पे जाएंगे तो पासवर्ड क्या है वो भी भूल चुका है, ठीक है। तो मान लो ऐसा इंटरफेस आ गया, आप भूल चुके हो पासवर्ड क्या है। तो ये जो मॉडल है, इस मॉडल पर मैं दिखा रहा हूँ पर्टिकुलर क्या करना है आपको। ये जो मॉडल है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, DC कनेक्टर को हटा दिया। ये जो मॉडल है आपको यहाँ पर एक चीज़ और एक जान लो थोड़ा सा, राउंड में जो जंपर आता है इसमें भूल कर भी शॉर्ट मत करना, ट्विज़र हो या फिर कुछ वायर वगैरह हो उससे शॉर्ट मत करना, क्योंकि उससे आपका DVR ख़राब हो सकता है, डिस्प्ले आउट नहीं हो सकता है, कोई भी IC शॉर्ट हो सकता है। क्योंकि ये देखो सी साइन है इसमें, देखो तो सी मीन्स कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर का पॉइंट है, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ठीक है। तो ये C565 मीन्स कैपेसिटर होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जो जंपर है ये कुछ मतलब सॉकेट हो सकता है, नॉफ हो सकता है, तो इस टाइप का जंपर नहीं होता है जिसमें हम रीसेट करते हैं हार्ड रीसेट। और एक चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पर, जो देखो J1 करके एक जंपर है, ये इसका रीसेट का जंपर है, ठीक है, J1। तो इस मॉडल पे आपको J1 मिलेगा। अगर आपके पास इस टाइप का मॉडल आता है, 1-2 साल आगे पीछे हो जाए, तो आपको अगर यहाँ पर J1 मिल जाए तो इसी से ही काम चलेगा। अभी कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं दिखा दूँगा, हालांकि वीडियो में दिखा दिया है पिछले वीडियो में। तो देखो सेम दिखने वाला यहाँ पर भी एक जंपर है जो कि J4 करके है। तो J4 पे अगर आप ट्विज़र डाल के ऐसे करोगे, पावर दोगे, 10 सेकेंड रखोगे तो भी ये काम नहीं होगा। तो आपको पर्टिकुलर जानना है, एग्जैक्ट जानना है कि कौन सा आपको पिन शॉर्ट करने से ये रीसेट होगा। तो इस बोर्ड में हमारा ये जो J1 है, J1 को अगर आप शॉर्ट करेंगे तो हो जाएगा। शॉर्ट करने से पहले एक छोटा सा सलाह दे देता हूँ जिसमें आप कभी तकलीफ़ में ना पड़ो, क्योंकि वीडियो देख के आप कर तो लोगे सही तरीके से पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही डालोगे। क्यों गड़बड़ करोगे ये थोड़ा सा जान लो। आप अगर ऐसे न्यूक्लियर टाइप का ट्विज़र यूज़ करते हो और इसके अंदर आप ज़ोर से दबा रहे हो, ऐसे अगर आपने ज़ोर से दबा दिया और फिर पावर डाला, तो इस केस में आपका DVR शॉर्ट हो सकता है। क्यों शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे ये बॉडी है। तो अगर आप ज़ोर से प्रेस करोगे तो आपका ट्विज़र बॉडी से टच हो जाएगा। उस केस में अगर आप पावर डालोगे तो आपका कोई भी बॉलिंग IC या फिर कोई भी 5 वोल्ट सेक्शन का IC, 12 वोल्ट सेक्शन का IC शॉर्ट हो सकता है। उसके कारण आपका DVR पे डिस्प्ले भी नहीं आउट होगा। आप सोचोगे क्या बोला भाई, यही पर तो बोला था जंपर मतलब शॉर्ट करने को, मैंने किया हुआ नहीं।
तो आपने तो गलती ही कर दिया ना। यहाँ पर मैंने हल्के से प्रेस करके रखने को बोला था, आपने ज़ोर से दबा दिया। ज़ोर से दबाने से क्या हुआ, ये ट्वीज़र आपको जा पहुँचा, ये नीचे नीचे जाने के बाद ये ग्राउंड से मिल गया, उसके बाद ये शॉट भी हो सकता है। तो अभी देखो, ये अभी मैं ये थोड़ा सा मोटा वाला ट्वीज़र यूज़ करूँगा ताकि हमारा ये ट्वीज़र ग्राउंड तक ये बॉडी में ना लगे। इस प्लग को डिसकनेक्ट करना है, अनप्लग करना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो जम्पर है ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, हाँ यहाँ पर जो जम्पर है इसको हल्के से प्रेस करके रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं प्रेशर क्रिएट करना है, बस थोड़ा सा हल्के से प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको ये डीसी का जो जैक है, अडाप्टर का जो जैक है, ये डाल देना है। और डालने के बाद ये मैं 10 सेकेंड तो रखूँगा ऑब्वियसली, देखते लॉन्ग बीप जनरेट होता है कि नहीं। कुछ कुछ के मतलब मॉडल पे ये लॉन्ग बीप नहीं आउट होता है, पर आप टेंशन मत लो, आप नॉर्मली 15 सेकेंड मतलब 15 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखो, ऐसे प्रेस करके होल्ड करके रखो ट्वीज़र को, और उसके बाद इसको छोड़ दो। तो मैंने छोड़ दिया, छोड़ देने के बाद इसको डिसकनेक्ट कर दो, ठीक है। डिसकनेक्ट करने के बाद फिर से आप दोबारा इसमें पावर डाल दो, दोबारा पावर डाल दो, और दोबारा पावर डालने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। दोबारा पावर डाला तो देखते क्या होता है। यह आ गया हमारा सीपी प्लस का लोगो। दोबारा पावर डालने के बाद डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR मीन्स, और ये ऑरेंज में है, ये ऑरेंज, तो देखते हैं ये रिसेट हुआ है कि नहीं, देखते हैं। रिसेट क्यों हुआ है या नहीं हुआ है, हाँ रिसेट हो चुका है। तो हमारा जो जम्पर था वो पर्टिकुलर, फिर से एक बार देख लास्ट में दिखाता हूँ, ये देखो रिसेट हो चुका है। अब DVR जब बॉक्स पैक DVR जब ओपन करते हो तो पावर देने के बाद ऐसा ही कुछ इंटरफेस आएगा। तो उसके बाद ये पहल दिखा रहा है, इंग्लिश दिखा रहा है, इसको सेव करने के बाद ये देखो यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और क्वेश्चन आंसर आता है यहाँ पर कुछ। तो ये जो पासवर्ड है अभी मैं सेट कर रहा हूँ, देखो अभी पासवर्ड ये सेट करने को देगा मुझे। तो इसको, इसका जो पासवर्ड है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, एडमिन एट द रेट ऑफ 1 2 3। उसके बाद नीचे वाला भी फिलअप करना है, बड़ा वाला ए डालना है इसको कैपिटल में, ADMIN @1 2 3। अभी नेक्स्ट करेंगे, क्या हुआ पासवर्ड कुछ गलत हो गया क्या, क्वेश्चन तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा ABCD डाल देता हूँ, नेक्स्ट क्या दिखा रहा है, द इनपुट न्यू पासवर्ड डू नॉट मैच। अच्छा पासवर्ड मेरा मैच नहीं हुआ है, तो देखो यहाँ पर लॉन्ग नहीं करूँगा वीडियो, तो ये पासवर्ड मेरा मैच नहीं हुआ है, पासवर्ड मैचिंग करके डालना है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट करके जैसे आप सेटअप करते हो ऐसे ही सेम पासवर्ड डाल के सेटअप कर लेना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी इसको मैं एक बार ऑफ कर दूंगा, ऑफ करके थोड़ा सा पास से नज़दीक से दिखा देता हूँ कि कौन सा जम्पर जो है मैंने इसको शॉर्ट किया, उसके बाद इसका हार्ड रिसेट हुआ है। तो बेसिकली पास से देख सकते हो ये जो J1 करके जम्पर है यही वाला, ऐसे थोड़ा सा 10 सेकेंड या फिर 15 सेकेंड तक आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के साथ साथ पावर भी डालना है, यहाँ पर DC जैक पे पावर भी डालना है, और पावर डालने से पहले इसको होल्ड करके रखना है। और कुछ कुछ मॉडल पे आपको लॉन्ग बीप साउंड आएगा, एक आपको अगर लॉन्ग बीप सुनाई दे तो आप छोड़ दीजिए, ट्वीज़र को हटा दीजिए, और लॉन्ग बीप ना आए तो 15 सेकेंड तक रखने के बाद ये जो अडाप्टर का DC जैक है, इस DC कनेक्टर है, अडाप्टर का पिन हटा डिसकनेक्ट कर दे,
उसके बाद फिर से एक बार पावर दे तो ये न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो फर्स्ट टाइम डीवीआर में होता है, ऐसा ही कुछ आ जाएगा। तो ये तो रिसेट बन चुका है। तो ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था, आप अगर आपके घर में अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है, आपके पास पड़ा है कुछ, तो आप इजीली इसको रिसेट कर सकते हो घर पे बैठ के ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। लव यू ऑल। जय हिंद।